हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीप्ति शर्मा है। आज हम सीखेंगे निखिलिम सूत्र से गुणा करना, 100 के आसपास की संख्याएं। पहले हम लेंगे 100 से कम कम की संख्या, जैसे 98/99। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। कितना कम है 98, ये 2 कम है, और 99 100 से 1 कम है, तो 2 1 2 के 1 की मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आता है 2 1 2। 100 को 2 जीरो होती है, तो पीछे भी 2 ही अंक लिखने होंगे हमें, तो हम एक जीरो लगा देंगे। पिछले 2 अंक आए हमारे 0 2, उसके बाद या तो इसमें से घटा देंगे हम, या फिर इसमें से ये घटा देंगे, आंसर वही आना है। 98 में से 1 गया, आएगा 97, तो हमारा आंसर आता है 99,702। हम अब दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे 97/91, तो ये 100 से कितना कम है, ये है 3 कम, और ये कितना कम है, ये है 9 कम, तो 9 और 3 के मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर आता है 9 3 27। या तो इसमें से घटा लो, या फिर इसमें से घटा लो, आंसर वही आना है। 91 में से सही घटाएंगे तो हमारा आंसर आता है 88। हमारा आंसर आया 8,827। अब हम 100 से ज़्यादा की संख्या लेंगे, जैसे 108/107। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से कितना ज्यादा है, कि 8 ज्यादा है, और 107 7 ज्यादा है। हम 8 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है 8 7 56। या तो इसमें ये ऐड कर लो, या फिर इसमें ये ऐड कर लो, हमारा आंसर वही आना है। जैसे 8 में 7 ऐड करेंगे, हमारा आंसर आता है 115, तो हमारा आंसर आया 11,556। हम अब अगला सवाल लेते हैं, जैसे 109/106। ये 100 से कितना ज़्यादा, 109, ये 9 ज़्यादा है, और 106 6 ज़्यादा है, तो 9 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है 9 6 54। या तो इसमें ये ऐड कर लो 109 में, या तो 6 ऐड कर लो, या 106 में 9 ऐड कर लो, आंसर वही आना है। 106 में 9 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 115, हमारा आंसर आया 11,554। अब हम 1000 के आसपास की संख्याओं को गुणा करेंगे। हम एक रकम लेते हैं, जैसे 998/994। ये 1000 से कितना ज्यादा है, ये है कम है 2, और ये कितना कम है, ये है 6 कम, तो 6 और 2 के मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 12। 100 में 3 जीरो होती है, तो हमें पीछे भी 3 ही अंक लिखने होंगे, तो हम एक जीरो लगा देंगे, या तो इसमें से घटा लो, या फिर इसमें से ये घटा लो, आंसर वही आना है। हमारा आंसर आता है 992। हमारा आंसर आया 9,92,012। हम अब अगला सवाल लेते हैं, जैसे 998/999। ये 1000 से कितना कम है, ये है 2 कम, और ये है 1 कम, तो 2 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे हम, हमारा आंसर आता है 2 2 2। 100 में 3 जीरो होती है, तो हमें यहाँ पर भी पीछे 3 ही अंक लिखने होंगे, तो हम 2 जीरो लगा देंगे, जैसे या तो इसमें से घटा लो, या फिर इसमें से घटा लो, आंसर वही आना है। हमारा आंसर आता है 997। हमारा आंसर आया 9,97,002। हम अब तीसरा सवाल लेते हैं, 991/993। ये 1000 से कितना कम है, ये है 9 कम,
और ये कितना कम है, ये है 7 कम। तो हम 9 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आता है 9 7 जा 63। हम इसमें एक जीरो लगा देंगे क्योंकि 1000 में पीछे 3 जीरो होती है, या तो इसमें से घटा लो या फिर इसमें से घटा लो, आंसर वही आना है। 993 में से 9 गए, हमारा आंसर आता है 984। हमारा आंसर आया 9,84,063। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।